नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। नर्मदापुरम, आज भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर भोपाल में उनके अभिनंदन एवं स्वागत को लेकर तैयारी की गई। इसी को लेकर आज प्रदेश संयोजक बाबूलाल चौहान और पूर्व निगम अध्यक्ष डॉ कैलाश विनय सहित सभी प्रमुख जनों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बाबूलाल चौहान डॉ कैलाश विनय का मध्य प्रदेश से आए समस्त पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी प्रदेश पदाधिकारियों का परिचय एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी को लेकर अपनी बात रखी। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक बाबूलाल चौहान, डॉ कैलाश विनय, पूर्व निगम अध्यक्ष विनोद बाथम, प्रदेश सह संयोजक राजू रैकवार, प्रदेश सह संयोजक राम भरोस कहार, प्रदीप कुमार नागर, प्रदेश मीडिया प्रभारी जोगन खेरिया, सह मीडिया प्रभारी रवि माझी, जगदीश कहा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में लगभग हर जिले से प्रमुख जन शामिल हुए। आज हमारे भारत के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन, मध्य प्रदेश की भोपाल में आगमन हुआ है। आज उसी को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के हमारे समस्त जिलों के जिला संयोजक, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश संयोजक के द्वारा आज माननीय जेपी नड्डा जी का भव्य स्वागत का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। आज पूरे प्रदेश से हमारे सभी मछुआरा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आज यहां पर भोपाल में एकत्रित हुए हैं और सभी यहां से माननीय जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और मैं माननीय प्रधान, हमारे जेपी नड्डा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं, उनका मध्य प्रदेश की पावन धरती पर उनका मछुआरा प्रकोष्ठ की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं और भव्य स्वागत का हमारे प्रकोष्ठ की ओर से भी उनका किए जाने का पूरी तैयारी हमारी ओर से चल रही है। मैं बहुत बहुत सभी आप सबके चैनलों के माध्यम से पुनः माननीय हमारे जेपी नड्डा जी को मछुआरा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और बधाई प्रेषित करता हूं और आप सबकी ओर से भी हमारे सभी जिला संयोजक और पदाधिकारियों की तरफ से भी हमारे आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश में पधारने पर और स्वागत वंदन करता हूं। नर्मदापुरम से खबर समय जगत के लिए प्रदीप कुमार नागर की रिपोर्ट।